बीजेपी सरकार ने अब अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए पार्टी को भी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह सुहाग ने पानीपत में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को अग्निवीर योजना के फायदों के बारे में बताया और इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इनमें से मैं बताता हूँ, SGS भी बनेंगे, जज भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, और जो BA करके आया है वो आके BED करके अच्छा शिक्षित भी बनेंगे। इनके लिए सभी रास्ता खोला है, उज्जवल उज्जवल भविष्य इसका है। गौरतलब है कि पूर्व फौजी अफसर के सामने इस योजना के बारे में सामने आ रही आशंकाओं संबंधी सवाल भी उठाए गए। एक सवाल ये भी कि 4 साल में अग्निवीर बनने वाले इन युवा फौजियों को सेना में जहाज और मिसाइल के पास भी शायद ना जाने दिया जाए, ऐसा कुछ पूर्व फौजी अफसर कह रहे हैं। उस एयरफोर्स ऑफिसर का रिटायर्ड है, विंग कमांडर, उनका ये कहना है कि जो 4 साल की स्कीम में आ रहे हैं उनको कभी ना तो मिसाइल के पास जाने दिया जाएगा ना कभी जहाज के पास, इस बात का जवाब। ओके, अभी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्या होगा, जो ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की, फिजिकल ट्रेनिंग दी, उनकी क्लासेस लगती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको कॉमन ट्रेनिंग होती है। अगर आप PhD करें तो 1 साल तक कॉमन, इंजीनियरिंग करें तो 1 साल तक कॉमन, और बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट किया जाता है। अभी क्या है, अगर कोई भी जवान 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चला जाता है आर्मर्ड कोर में, वहाँ टैंक है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं सेना में उसको, क्या कहते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। जिस दिन वो चला गया अपने सीनियर के साथ बैठ के टैंक चलाना सीखेगा, गन चलाना सीखेगा। बहरहाल सरकार के साथ साथ अब पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सीनियर पदाधिकारी भी विवाद को शांत करने और विरोध के गुब्बारे की हवा निकालने को मैदान में उतर आए हैं। चलिए देखिए, यहाँ युवाओं के सपनों और देश की रक्षा और भविष्य का सवाल है। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।